नया आधार कार्ड बनवाना हो या आधार कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन, इन समस्त कार्यों के लिए चले आइए आधार सुविधा केंद्र लाल चौकी महिला बाल विकास केंद्र पुराने डी ऑफिस के पीछे खंडवा। जिस प्रकार की बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंसक वारदातें की जा रही है, आंदोलन तो युवाओं का था, आंदोलन को स्वरूप जो दिया गया है जिहादियों के द्वारा, वो स्वरूप हमको जो दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यक, वहाँ जो हिंदू है उनकी हत्या की जा रही है, माता बहनों का शील भंग किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मतलब जब 1947 में बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में, जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर 28% हिंदू थे, 71 में जो 17 रह गए, आज जो मात्र 7% है उनको भी असगर रूपी जेहादी निगलकर समाप्त करने की ओर है। तो हमने प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये ज्ञापन दिया यहाँ पर कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उन्हें तत्काल वहाँ उन अत्याचारों को रोका जाना चाहिए और बातचीत के साथ साथ अपनी शक्ति के द्वारा भी उन अत्याचारों को रोका जाना चाहिए। मेरा पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदू समाज से आह्वान है कि इन अत्याचारों के खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाए और आवाज उठा के सरकार को मजबूर करे कि सरकार उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ऐसी ठोस कार्रवाई करे कि उस कार्रवाई के बाद वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो कि हिंदू माता बहने और बच्चों पर कोई हाथ उठाए। इसके लिए हमने यहाँ पर आज ये ज्ञापन दिया, विरोध प्रकट किया। ये मातृशक्ति महादेवगढ़ की जो थी उनका भी यही मतलब था कि सबसे ज्यादा अत्याचार युवाओं के अलावा मातृशक्ति माता बहनों के शील भंग के साथ भी किया जा रहा है, इसलिए ये ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ से हमने आवाज उठाई है।